मैं तुम बस पे तुम इतनी खिंचाई और इधर उधर के सवाल जवाब गए थे, मैंने सोचा ये इंसान कम बात करेगा फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। जो माहौल जैसा होता है वहां पे वैसी बातें करनी चाहिए। बस के अंदर ये वाली बातें करो तो मुंबई कौन देख रहा होता। वो भी सच है। कैसे मैनेज होगा? टाइम मैनेजमेंट तो तुम्हारे हाथ में है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ऐसा कि कोई दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए रेगुलरली घर आ रहा है। मैंने तुम्हें अपना पहले क्लियर कर रखा है कि मेरा जब तक दिल्ली से मुंबई मूवमेंट एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ ना हो, मैं ऐसे मूव नहीं करूँगा। ये एक इशू है जो दोनों के बीच रह सकता है, पर मैंने सोचा कि रतन को इस बारे में साफ साफ बता देना ही बेहतर है, क्योंकि दोनों की लाइफ का सवाल है। मैं एक बात सामने बोलूं, मैं अनकंफर्टेबल हूं। अभी भी अनकंफर्टेबल हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो अच्छी बात है तुमने बोला। ना पसंद क्या क्या है वो बताओ। ना पसंद? झूठ नहीं पसंद मुझ में, मैं कह रहा हूँ। तुम में क्या नहीं पसंद? हाँ। बाप रे, बहुत कुछ है। लेकिन गुस्से में तुम सुनते नहीं हो। मैं बताऊं तुम्हारे नेगेटिव मुझे लगते हैं? बताओ। तुम्हारा गुस्सा ना किसी भी बात पे आता है, और फिर तुम उन्हें बताती भी नहीं हो कि मेरे को ये बुरा लग गया। ये बात मुझे बुरी लगती है, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं होते, मैं एक्सप्रेस नहीं कर तो सकती। वही, अब जब तुम एक्सप्रेस करोगी तो छुपा भी नहीं सकती। अगर मुझे राइट वो मेरे को पता है तो वो एक्सप्रेस करना चाहिए ना मुझे। मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मुझे कुछ बात बुरी लग गई है, और वो अंदर रह जाती है। तो बस इतना ही होता है कि मैं उस इंसान के साथ या तो थोड़ा चुप हो जाती हूँ, या फिर थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, मैं कम बात करती हूँ, या मैं जैसे हूँ नॉर्मली लाइफ में मैं वैसे बिहेव नहीं कर पाती। अच्छा, एक काम करते हैं। तुम अभी अभिनव शर्मा नहीं हो, ठीक है? स्वयंवर में भी नहीं हो। स्वयंवर में एक अभिनव शर्मा है, एक अनुपम है, एक दीपक है, और तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नामकरण करते हैं तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, मैं अभिनव शर्मा से पूछ। एक सेकंड। नहीं, मैं तुम्हारा निकनेम क्या है? नहीं, वो सब बातें यहाँ ना लाओ। गोलू? नहीं, तुम गोलू हो। उन्होंने मेरे निकनेम से मुझे बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे को अभिनव की जगह गोलू बनाना शुरू कर दिया। इससे मैं काफी एम्बैरेस हो रहा था, पर मुझे समझ आ रहा था कि वो मेरी टांग खींच रही है, और जब दोस्ती दोबारा से हो जाए तो इसी तरह की नोकझोंक चलती है, इसी तरह से मस्ती मजाक चलता है, और यही है दो अच्छे दोस्तों की निशानी। ठीक है, तो गोलू मुझे बताएगा कि गोलू को अभिनव शर्मा अच्छा लगता है, या दीपक पंडित अच्छा लगता है, या अनुपम सिंह कुशवाहा अच्छा लगता है मेरे लिए। टफ है यार, तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। अगर बिल्कुल ही एक वेल सेटल्ड लड़का जो कि 24 घंटे मस्ती मजाक करते रहे और बुरा मान के भी बैठ सकता है, वो अनुपम। और अगर एक लाइफ में बिल्कुल खुल के जीना, नो टेंशन, बिल्कुल बिंदास, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐश, तो दीपक हो सकता है। अच्छा, प्लान बहुत ज़्यादा नहीं है उसके लाइफ में कि ऐसा मुझे लगा। हो सकता है ऐसा ना हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं। और बोलू वो तो अभिनव शर्मा गुस्सा भी करता है, साफ बोलता है, और हंसी मजाक भी बहुत करता है मेरे ख्याल से, तुम्हें पता ही है। थोड़ा सा शाय हूँ, सबके सामने नहीं कर सकता, तो मैं देखा ही होगा, मैं तुम्हारे से जब अकेले में मिलता हूँ तो कैसे रहता हूँ, और जब औरों के सामने रहता हूँ तो कैसे रहता हूँ, वो शायनेस है बस। अगर इस तरह का चाहिए तो मैं, ये तो तुमने बताया कि तीनों कैसे, मैं पूछ रही हूँ कि गोलू मेरा फ्रेंड है, उन तीन में से चुनकर बता दो कि कौन मेरे लिए ठीक है। तुम बोलो कि हाँ रतन तुम्हें ये ज्यादा खुश रख सकता है। एक चीज बताओ, ऑफ कोर्स मैं ज्यादा ठीक हूँ, फिर मैं कहाँ से आ गया, तुम तो गोलू हो। ओ, आज तो फंसा रही है बार बार। हाँ, अभिनव शर्मा से ज्यादा ठीक है। अभिनव शर्मा बिल्कुल खुश रखेगा, और क्या, ये कोई पूछने की बात। पर मैंने क्लियरली तीनों लड़कों के बारे में रतन को बताया, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जो जेन्युइन क्वालिटीज लड़कों की हैं वो बताई, और जो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताई। साथ ही साथ मैंने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, और ये बोला कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। सब पूछ लिया? नहीं, सब कैसे पूछ लिया, अभी सब पूछा नहीं जा सकता, सब कुछ अब बातें खत्म हो गई है, तो सोचने की बारी है। थोड़ा तुम भी सोचो, थोड़ा मैं भी सोचती हूँ, तो फिलहाल चलते हैं, शाम को सबके साथ मिलेंगे, ठीक है? ओके। शादी के लिए अब सिर्फ चंद ही दिन बचे हैं, और जो भी आगे हो वो अच्छा हो दोनों के लिए। अगर मुझे चुनती हैं तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा, उनके लिए भी बहुत अच्छा,
और अगर वो मुझे नहीं चुनती तो मैं चाहूंगा कि जिसे वो चुने उसके साथ वो हमेशा खुश रहे। जो रतन से मिलने आए हैं वो आ सकते हैं प्लीज। जानिए एपिसोड से भी पहले स्वयंवर की कहानी रतन की जुबानी। सब्सक्राइब करने के लिए इन नंबरों पर डायल करें। कैसा रहा आप लोगों का दिन? मैंने सुना आज बहुत एक्साइटिंग दिन बिताया आप लोगों ने। बिल्कुल काफी अच्छा रहा। एक एक अच्छी बात तीनों के बारे में, सबसे अच्छा क्या लगता है? माता पिता के भक्त हैं, शहर को बहुत प्यार करते हैं। एस्टैब्लिश्ड है। दीपक पंडित, मुझे कहीं ना कहीं से इनका थोड़ा कम बोलना अच्छा लगता था। अभिनव काफी प्रोटेक्टिव है, अपने लिए भी दी फैमिली के लिए भी, जो कि इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप लोग बताओ, पहले दिन जब मिले थे, आज का दिन, क्या नया पता चला रतन के बारे में जो सबसे ज्यादा पसंद आया? बसंती बोलो। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने कल बताया था। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, गुस्सा काफी जल्दी आया। दो चीजें और जानी मैंने, एक तो अगर कोई गलती की है या हो गई किसी रीजन से तो उसको एक्सेप्ट किया है, और दूसरा स्पेशलिज्म। अगर इनको, जैसे मैं कोई ऐसी बात करूँ थोड़ी पढ़ाई लिखाई से या थोड़ी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो ये एकदम से खुद ही बोल देंगे, देखो मेरे को अभिनव ये मत समझाओ, मैं तो जीरो अंडा हूँ मैथ्स में, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। ये चाहे तो उस बात को इग्नोर कर सकती हैं, बट एकदम सफाई से बोल देती हैं कि मेरे को ये चीज नहीं आती है। अपनी बुराइयों पे पर्दा नहीं डालती, नहीं डालती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं, और जो अपनी गलती मानते हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं आप लोगों के जो हम सब मिलकर देखें, ठीक है? छोटी सी एवी, देखते हैं आप लोगों ने किस तरह क्या एंजॉय किया। अनुपम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, कि उसमें एक तो एक्सेंट की प्रॉब्लम है कि वो जो पॉलिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जबकि उसको पता है कि सामने किसी को समझ नहीं आएगी। दूसरा उसके वो बहुत ही गंदे जोक्स मारता है, मेरा नाम अनुपम है हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा अनुपम के बारे में कि वो कैसा चाहता है, वो क्या है और क्या चाहता है वो। अनुपम कुशवाहा एकदम फेक बंदा है जो कि स्वयंवर में सिर्फ फेम के लिए आया। अभिनव के बारे में बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो वो इतना नेगेटिव है वो, कि जिंदगी में शायद ही उसने कोई पॉजिटिव बात सोची होगी, और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो। अब मुझे लगता है वो शादी के मूड में है, यहाँ पे वो घूमने फिरने आया है। अभिनव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि रीज़न ये भी है उसका एक कि ना, वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज़ से। उसकी प्रॉब्लम ये है, अगर कोई चीज़ उसके पास नहीं है या उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है उसमें भी उसको प्रॉब्लम है, और अगर वो चीज़ उसको मिलती है उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। स्वयंवर के दौरान मैंने ये देखा कि दीपक बिल्कुल इनएक्टिव है, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे कि रतन उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाती। तो दीपक अपनी इनएक्टिविटी की वजह से शायद यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर मेरे परिवार में शादी हो रही होती तो शायद दीपक के साथ कभी सोचता भी नहीं, क्योंकि वो कुछ कमाता तो है नहीं। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बिल्कुल डिफरेंट होता है, जब ऑन स्क्रीन होता है तो कुछ बोलता नहीं है, जिससे उसकी ड्रॉबैक्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो जो बोला है सच बोला है। उसकी सोच है, नहीं पता। तो मैं हमेशा शुरू से बोलता हूँ, रतन को भी मैंने ये बोला, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि जिंदगी मुझे कैसे जीनी है। अगर मुझे जोक मारने हैं, अगर मुझे लगता है कि मैं उससे खुश हो सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। अभिनव, वैसे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो अनुपम की डेट के अलावा मेरे को कभी किसी की डेट से जेलसी नहीं हुई। इसके लिए ना क्यों डेट मिली वो मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम पे। इसको तो डेट क्यों? आपका कहना ये है कि अनुपम डिजर्विंग नहीं था उस डेट पे, बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरा जो इनएक्टिव के बारे में बोला वो मुझे समझ नहीं आया। दीपक, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अनुपम बहुत एक्टिव रहा, दीपक कम रहा एक्टिव, मैं भी कम रहा तो वो मुझसे भी कम रहा, मुझे ऐसा लगा। एक्चुअली मेरे को ऐसा नहीं है कि कहीं बैठे हो तो जबरदस्ती घुस जाओ या गोलमोल की बातें करो, शेरो शायरी, ये चीजें मुझे नहीं आती है। वो मैंने भी नहीं करी, मैं भी वही चीज कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इनिशिएट लेने की बात ही नहीं। जब रतन से बात करनी है, मैं उसके स्वयंवर में आया तो मैं उससे बात करूंगा, मुझे बाकी सब लड़कों से कुछ नहीं है।
मेरा ये मानना था कि दीपक थोड़े इनएक्टिव थे और रतन की पर्सनल लाइकिंग पर वो आगे आ रहे थे, इसको लेकर दीपक थोड़ा सा मान नहीं रहे थे मेरी बात को। चलो जब मैच होता है तो मैच में रेफरी भी होता है, रेफरी जी बोली इनएक्टिव है, तुम्हारी पसंद की वजह से आगे आया है। कई बार होता है कि लोग अपनी सोच या अपनी फीलिंग बता देते हैं कि हाँ रतन मुझे भी ऐसा लगता है, जिसमें से कि कई लोग थे जो जा चुके हैं, उनमें से भी कई नाम ले सकती हूँ, प्रदीप है, अभिमन्यु है, सुरेश जी हैं, ये लोग स्टेटमेंट ऐसे देते थे कि रतन को शायद इससे हेल्प होगा, ये मैं बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो कि कम बोलते थे और ज़्यादा नहीं समझाते या बताते थे, उनमें से जैसे रोहित मित्तल थे या फिर दीपक में भी ये चीज़ रही है कि थोड़ा कम बोलता था या फिर नहीं बोलता था। ऐसे मुझे कभी हेल्प नहीं मिला, मैं ये बता रही हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, बुरा मानने वाली बात है। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो नहीं, मैं सुन रहा हूँ। इस सब में सबसे खुश अनुपम है, मैं तो निकल लिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब, इनका कोई ओपिनियन। मैं वैसे खुश रहता हूँ, कोई ओपिनियन तो होगा। मैंने जैसे बोला था, पहले ही बोला कि अभी लाइफ स्टार्ट की इन्होंने, अभी अपनी यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज है फिनिश किया है, जॉब करना कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ देखना है इनको, और शादी एक ऐसी चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल होती है संभालना, तो मुझे लगा शायद वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकते अभी। बड़ी बात है शादी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा नहीं, जो बात इन्होंने कही है बहुत बड़ी बात है। रतन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई एक ऐसा इंसान है जो बार बार जो प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपसे मिल सके। एक बार उसे इजाज़त दी जाए कि वो आपसे मिले, कुछ बातें करें, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए कि वो अपने मन की बात कहें आपसे। ये सब जो यहाँ बैठे हैं, इन सबको मौका मिला है अपने मन की बात करने का आपसे, सो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे भी मिल लें। तो जो रतन से मिलने आए हैं वो आ सकते हैं प्लीज। शादी नहीं हुई रतन से, वरना तो यहाँ बैठा नहीं होता अभी। मैं आपको एनालाइज करता हूँ, कितना बड़ा पागल है जो तू दोबारा आ गया। मैं पागल हूँ, और मैं रतन के लिए पागल हूँ, इसलिए आया हूँ मैं। कैसे भी करके आपको सारिका को सच बताना ही होगा।